रंगों का त्यौहार होली शांतिपूर्वक और हंसी खुशी मने, इसके लिए प्रशासन द्वारा पूरी कयावत की जा रही है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। सभी थानों को स्थानीय बुद्धिजीवी व सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जनप्रतिनिधियों के सहयोग से बदमाशों की पहचान कर उन पर नज़र रखने के लिए कहा जा रहा है। होली पर्व को लेकर रविवार को हिलसा थाना परिषद में शांति समिति की बैठक सह होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता थानाध्यक्ष प्रेम राज चौहान ने की। बैठक में प्रेम, भाईचारा एवं शांतिपूर्ण माहौल में रंगों का त्यौहार होली पर्व को मनाने का निर्णय लिया गया। डीएसपी मोहम्मद मुस्तफिक अहमद ने कहा कि होली पर्व को लेकर प्रशासन व्यवस्था पूरी कर ली गई है। शहर के चौक चौराहा से लेकर गांव में भी चौकीदारी दफ्तरदारी में तैनात किया गया है। सड़कों पर लगातार पुलिस गश्ती करेगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर भी प्रशासन की नज़र बनी हुई है। वीडियो राजदेव रजक ने भी कहा कि चुनाव को लेकर आदर्श संहिता लागू हो गया है, इसको भी ध्यान में रखते हुए होली पर्व में किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े कार्यक्रम या बैनर पोस्टर किसी पार्टी के सिंबल को सामने न लाएं। इस मौके पर दरोगा अशोक सिंह, सुबोध कुमार, ज्ञानेंद्र चौधरी, संजय कुमार, प्रफुल्ल पटेल, लक्ष्मण पाल, ओम प्रकाश, अर्जुन प्रसाद विश्वकर्मा, चुन्नू चंद्रवंशी, अनिल मुखिया, दिनेश प्रसाद मुखिया, पंकज कुमार, सुकुमार, मनीष कुमार, उपेंद्र कुमार आदि मौजूद थे। शांति समिति की बैठक में होली शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का निर्णय लिया गया और पूरे भव्य तरीके से मनाने का बात कही गई। बैठक के बाद हिलसा थाना परिषद में प्रशासन और पत्रकारों के साथ साथ आए हुए सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच होली खेला गया, जहां एक दूसरे ने जमकर रंगों और अबीरों से एक दूसरे को लगाने का काम किए। आप सभी की हार्दिक होली की बधाई हो। आप देख रहे हैं BPS न्यूज़ TV, जिसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।